हेलो गाइस, हाउ आर यू। माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर एस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था और उसमें उसके टाइप वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और शॉर्टके और फ्रेंकल डिफेक्ट हमने पढ़े थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो लेक्चर देख सकते हो। तो गाइस, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है जिसके कारण सॉलिड का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि आयरन आपके पास 0.93 है और ऑक्सीजन आपके पास 1.00 है। इसका मतलब क्या है कि 100 ऑक्सीजन के पीछे आपके पास 93 आयरन है। तो देखो, पार्टिकल्स का जो सिंपल रेशियो है वो सेम नहीं है, यानी कि वो डिफेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो सिंपल रेशियो है वो चेंज कर दे, यानी कि क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री को चेंज कर दे, उसे हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखो, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं कि दोज इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल विच लेड टू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कि वह डिफेक्ट जो क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री को चेंज कर दे, क्रिस्टल की कंपोजिशन को चेंज कर दे, पार्टिकल्स का सिंपल रेशियो चेंज कर दे, उसे हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि देख लो, यहाँ पर 100 ऑक्सीजन के पीछे 93 आयरन है, यानी कि सिंपल रेशियो नहीं है। अब देखो, ऐसा होता क्यों है ये हम पढ़ते हैं। तो देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल, देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब मेटल ज्यादा। अब मेटल का मतलब, मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाती है, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपको कैटायन ज्यादा करना है। अब देखो, कैटायन दो तरीके से ज्यादा हो सकता है, एक तो एनायन क्रिस्टल छोड़ के भाग जाए तो ऑटोमेटिक कैटायन ज्यादा हो गई, एक कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, यानी कि कोई एनायन है वो क्रिस्टल छोड़ के चला गया है तो ऑटोमेटिक आपके पास कैटायन ज्यादा हो गए। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास NaCl का क्रिस्टल है और वो ये है, देखो Na+Cl- Na+Na+ और ये Cl-। मान लो ये आपके पास NaCl का क्रिस्टल है। जब आप इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करोगे, अब देखो सोडियम मेटल है वो वेपराइज हो सकती है इजीली, तो मान लो यहां पर सोडियम वेपर है ऊपर, ये लो वेपर का मतलब होंगे तो सोडियम के एटम ही, तो हम इसे सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो क्या होता है, कुछ एक क्लोराइड आयन डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो मान लो ये क्लोराइड आयन निकल गया बाहर तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये क्लोराइड आयन बाहर निकल के करेगा क्या, वो देखो। अब आपको बताया कि ऊपर सोडियम की वेपर है, यानी कि सोडियम सोडियम के एटम है और सोडियम की नेचर आपको पता है कैसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो इसमें सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये मान लो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री है। अब देखो, जैसे ये सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल करके कैटायन बनाएगा, ये जो क्लोराइड आयन यहां से निकला था वो इस सोडियम के साथ मिल जाएगा Na+ के साथ, तो Na+ + Cl- आपके पास NaCl बन गया। ठीक है, यानी कि क्लोराइड आयन जो यहां से निकला था उसका तो काम सोडियम ने कर दिया। अब देखो, इस वैकेंसी में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है जो ऊपर वाले वेपर वाले सोडियम ने दिया था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर इस वैकेंसी में आ जाएगा, जिसे हम एफ सेंटर बोलते हैं। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है फोरजेन बेंटर, एफ सेंटर। ठीक है, अब देखो, पहले आपके पास देखो कैटायन कितने थे और एनायन कितने थे। देखो, आपके पास सोडियम आयन इस आपकी रो में दो है, इसमें दो है और इसमें दो, यानी टोटल 6 सोडियम थी। अब क्लोराइड देख लो, 2, 2, 4 और 2, 6 तो पहले 6 और दोनों 6, यानी कि सिंपल रेशियो 1:1 का था।
अब देखो एक क्लोराइड आयन निकल गया तो ये तो 6 के 6 सोडियम और आपके पास क्लोराइड आयन एक कम हो गया, तो अब आपका रेशियो हो गया 6:5। अब लेकिन क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्योंकि क्लोराइड आयन पर 1- चार्ज होता है, तो उस चार्ज को बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन पर भी -1 यानी कि 1 यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है लेकिन कैटायन ज्यादा है यानी कि मेटल ज्यादा है। क्यों? पहले 6 सोडियम और 6 क्लोरीन थे, अब एक क्लोरीन निकल गया तो 6 सोडियम यानी कि सोडियम ज्यादा हो गया यानी कि मेटल ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब देखो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान रखना यह इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड होगा यानी कि एनर्जी लेगा और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी स्पीशीज हो चाहे उच्च एनर्जी हाई एनर्जी में स्टेबल नहीं होती है, तो एक बार तो यह एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा लेकिन बाद में जब वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो जितनी एनर्जी ली है वो वापस इमिट करेगा रेडिएशन के रूप में। वह रेडिएशन किस कलर की होगी, वो इस क्रिस्टल का कलर होगा। तो आप इतना ध्यान रखो कि क्रिस्टल शो कलर करता है एप सेंटर के कारण, तो यह NaCl आपका येलो हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके पास लिथियम क्लोराइड होगा तो वो पिंक हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड होगा तो वो आपका वॉयलेट हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं अब एक बार। व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस एंड कंबाइन विद Na+ टू फॉर्म NaCl, कि क्लोराइड आयन निकलेगा और ऊपर वाले वेपर वाले सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है यानी कि Na+ बनाया उसके साथ कंबाइन होकर के NaCl बना लेगा। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एनायनिक साइट यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी हुई थी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसे हम एप सेंटर बोलेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ NaCl। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख लो, उसके बाद हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, तो लिख लीजिए आप। तो गाइज अब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, कि इस बार क्रिस्टल में कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा तो आपके पास कैटायन का मतलब मेटल एक्सेस हो जाएगी। तो देखो इसे हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है ZnO, तो देखो क्रिस्टल कैसा होगा कि Zn2+ O2-, Zn2+, ठीक है, O2-, Zn और O2-। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिंक आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि जिंक तो है 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन भी आपके पास 6 है। ठीक है, अब देखो जब इसको हीट करते हैं तो कुछ एक ZnO ऐसे टूटते हैं, देखो ZnO गिव्स आउट, हीट करोगे ना आप तो Zn2+ और आपको पता है O2-। अब देखो O पर ऑक्सीजन पर 2- है, अब देखो 1- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा और 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जैसे ही हीट करेंगे तो यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अकेला ऑक्सीजन बच गया, तो इसे हम लिखते हैं ½ O2 यानी कि ये टूटना तो चाहिए था Zn2+ और O2- में और टूटा ऐसे यानी कि आपका O2- ऐसे टूट गया, ½ O2+ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो ऑक्सीजन है आपकी उड़ गई, ठीक है, अब बच्चे ये Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Zn2+ क्रिस्टल को बोलेगा कि भाई मेरे को भी कहीं ना कहीं जगह दो, तो इंटरस्टीशियल साइट में आ गया। अब जैसे ही ये Zn2+ कहीं पर बीच में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भी हम भी तेरे पीछे ही है, हमें भी कहीं पर जगह दो, क्योंकि देखो जैसे ही Zn2+ आ जाएगा ना तो क्रिस्टल आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको भी हम तेरे पीछे ही है, तू जहां जाएगा हम वहां आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टीशियल साइट में आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन जिंक और ऑक्सीजन का वो रेशियो नहीं रहा, पहले आपके पास जिंक 6 थे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो आपके पास जिंक हो गए 7, ऑक्सीजन तो उतने के उतने ही है तो 6, तो ये रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये विजिबल लाइट से
एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड होंगे और क्रिस्टल को कलर, क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये आपका येलो कलर शो करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो वह येलो क्यों हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रीजन है। तो देखो, इन दिस डिफेक्ट एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजिशन, कि कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। देखो आ गया। एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो पास वाली इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है व्हेन ज़ेडनो इज हीटेड देन इट लूज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो, कि ऑक्सीजन उड़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, तो ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो, मेटल दो तरीके से कम हो सकती है, यानी कि कैटायन दो तरीके से कम हो सकता है, या तो कोई एक्स्ट्रा एनायन आ जाए या फिर कैटायन लेटिस छोड़ के भाग जाए। ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। तो देखो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। दिस डिफेक्ट हैव टू टाइप्स। देखो, यह डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में आता है जिनमें जो मेटल होती है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले। क्योंकि देखो, मान लो अगर कैटायन छोड़ के चला गया तो हम उस कैटायन की जगह इलेक्ट्रॉन तो ला नहीं सकते, ये तो उल्टा हो जाएगा एकदम से। इसलिए कुछ ना कुछ तो हमें पॉजिटिव चार्ज कैसे ना कैसे करके तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए जो पास वाला कैटायन होता है वह अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर लेता है, यानी कि वह अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल समझ लो, आप इससे सब कुछ समझ जाओगे। मान लो आपके पास फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल है, तो यह क्रिस्टल होगा Fe2+S2-, यह आपके पास फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल है। अब मान लो कोई कैटायन यहां से निकल गया तो उसकी जगह वैकेंसी हो गई। अब देखो, 2+ कम हो गए, अब हमें 2+ की जरूरी है, तो प्लस की जगह हम लाए किसको? किसी और को तो ला नहीं सकते, तो इसलिए जो पास वाले कैटायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग कर लेंगे। अब देखो, 2+ कम हुए तो एक तो ये करेगा अपने 2+ को 3+ में चेंज कर लेगा। अब 1+ और चाहिए तो एक इसका कर दो, यानी कि ये डिफेक्ट, अब आपको पता चल गया ना कि ये डिफेक्ट वो ही शो कर सकते हैं जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। अगर ये मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अपनी में इंक्रीजिंग नहीं कर पाए तो यह डिफेक्ट कैसे शो होगा? क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड को तो आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा, अगर ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट को नहीं बढ़ाए तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा नहीं और ये पॉसिबल है नहीं। तो ध्यान रखना कि यह डिफेक्ट वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें जो मेटल होती है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर सकती है। तो इसमें देखो, आपका फेरस है वो फेरिक में चेंज हुआ है, तो फेरस के फेरिक में चेंज होने के कारण इस क्रिस्टल में एक मेटेलिक ग्लो बनती है, मेटेलिक ग्लो, और वो येलो कलर की होती है, इसीलिए हम इसको गोल्ड ऑफ फूल्स कहते हैं, मूर्खों का सोना, क्योंकि यह सोने जैसा ही लगता है लेकिन है आपको पता है फेरस सल्फाइड। तो फेरस से फेरिक में चेंज होने के कारण इस क्रिस्टल में एक मेटेलिक ग्लो बनती है, जिसके कारण इसे हम गोल्ड ऑफ फूल्स बोलते हैं, ध्यान रखना। तो देखो, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी इन दिस कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस, की कैटायन चला जाता है, तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि 2+ कम हो गए तो हमें 2+ बनाने पड़ेंगे, तो नेबरिंग कैटायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग कर लेता है। अब देखो, पहले अगर हम देखें तो आपके पास आयरन कितने थे, 2, 2, 4 और 2, 6 आयरन और 6 ही सल्फर। अब एक आयरन कम हो गया तो आपके पास आयरन तो हो गए 5 और सल्फर 6, यानी कि मेटल कम हो गई, इसलिए इसका नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट आपका आता है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, कि कोई माइनस वाला अगर एक्स्ट्रा आ गया तब भी आपके पास मेटल कम हो जाएगी, कैटायन कम हो गया। तो इसका कोई एग्जांपल तो है नहीं, बस इतना समझ लो कि ये आपका क्रिस्टल है A+, B- A+,
बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस और ए प्लस। तो देखो इसमें अगर मेटल माने तो ये प्लस वाली मेटल ना, तो दो और दो चार तो मेटल है, और आपके पास जो अदर स्पीसीज है वो भी चार है, ठीक है, यानी कि ए भी चार बी भी चार। ए आपको पता है कैटायन है, इसका मतलब मेटल, और बी आपके पास एनायन है, इसका मतलब नॉन मेटल है, यानी कि रेशियो सिंपल है। अब कोई एक्स्ट्रा एनायन आ जाएगा, ये लो एक्स्ट्रा एनायन आते ही यह है पांच हो गया, यानी कि रेशियो सिंपल नहीं रहा। अब देखो एक्स्ट्रा एनायन आते हैं यानी कि आपके पास माइनस चार्ज बढ़ गया, अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्लस भी चाहिए, तो कैटायन क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग कर लेगा, यानी कि जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो ही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें जो मेटल है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर सकती है। तो स्टूडेंट्स इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप ये लिख लो पहले। तो स्टूडेंट्स देखो आपके पास क्वेश्चन है कि निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.98 और ऑक्सीजन आपका 1.00, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द निकल एग्जिस्ट एज Ni 2 प्लस एंड Ni 3 प्लस, कि इसमें Ni 2 प्लस का फ्रैक्शन कितना होगा और Ni 3 प्लस का फ्रैक्शन कितना होगा। तो देखो पहले तो आप इसका मतलब समझो ये क्या है। तो देखो ध्यान से समझना कि Ni 0.98 और ऑक्सीजन 1.00। अब देखो इस पूरे पर चार्ज कितना है, तो चार्ज भी अगर कोई प्लस होता है तो ऊपर प्लस लगाया जाता है, माइनस होता है तो ऊपर माइनस लगाया जाता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पर चार्ज जीरो है, यह बात ध्यान रखना। और ऑक्सीजन आपके पास देखो कितने हैं, तो 100 ऑक्सीजन है। आपके पास निकल कितने हैं, 98 निकल है। अब इसमें से Ni 2 प्लस और Ni 3 प्लस है, तो ये हमें निकालने हैं कि कितने आएंगे। तो ध्यान रखना एक ऑक्सीजन पर माइनस 2 होता है तो 100 ऑक्सीजन पर कितना होगा, माइनस 200, यानी कि 1 ऑक्सीजन पर अगर माइनस 2 चार्ज होता है तो 100 पर कितना होगा, माइनस 200 चार्ज होगा। अब आपको पता है कि माइनस 200 चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपके पास प्लस के भी 200 होने चाहिए, यानी कि आपको पता चल गया कि इन 98 निकल पर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना है। अब देख लेते हैं, अब लेट माना, लेट Ni 2 प्लस इज अक्स, देन Ni 3 प्लस कितने हो गए, 98 माइनस अक्स, ठीक है, कि Ni टोटल ये 98 है, Ni 2 प्लस मैंने x मान लिया तो Ni 3 प्लस कितने हो, 98 माइनस x। अब इन पर चार्ज जोड़ दो कि एक निकल पर अगर 2 प्लस चार्ज होता है तो x निकल पर कितना होगा, 2x, ठीक है। अब एक निकल पर यहां पर 3 प्लस चार्ज है तो इतने पर कितना होगा, तो 3, 98 माइनस x, और दोनों पर मिलाकर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, 200, तो आपके पास हो गया 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 294 माइनस 3x बराबर 200, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 94, ठीक है, क्योंकि देखो आपका ये 200 प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और यहां पर आपका बचा माइनस x और ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास x 94 आ गया, यानी कि आपके पास Ni 2 प्लस तो है 94 और Ni 3 प्लस कितने होंगे, 98 माइनस x यानी कि 94, यानी कि आपके पास हो जाएंगे 4। अब देखो फ्रैक्शन निकालेंगे, तो अगर हम Ni 2 प्लस के लिए फ्रैक्शन निकालें तो Ni 2 प्लस कितने हैं, 94, टोटल कितने हैं, 98 इंटू 100, तो आप निकाल सकते हो। ऐसे हम Ni 3 प्लस के लिए निकालेंगे तो है कितने, 4, टोटल कितने, 98 इंटू 100, तो हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से, तो ये आप लिख लो। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना लास्ट डिफेक्ट इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो इसमें हम क्रिस्टल में बाहर से इंप्योरिटी मिलाते हैं, जैसे हम NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 मिला रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना ये आपका NaCl का क्रिस्टल है, तो इसमें Na प्लस, और इसमें हम बाहर से मिला रहे हैं स्ट्रॉनशियम क्लोराइड, ठीक है। अब यह देखो स्ट्रॉनशियम क्लोराइड ब्रेक होता है Sr2+ में
और 2Cl माइनस में। तो देखो माइनस वालों की जगह तो ये माइनस वाला बैठेगा, तो देखो यहां पर भी क्लोराइड है यहां पर भी क्लोराइड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस वालों को जो रिप्लेस करेगा वो Sr2+ करेगा, यानी कि सोडियम को बाहर निकालेगा और Sr2+ बैठेगा। अब देखो सोडियम पर तो एक ही प्लस चार्ज था, लेकिन इसके ऊपर दो प्लस चार्ज है, यानी कि ये एक नहीं दो सोडियम को बाहर निकालेगा, एक की जगह तो खुद बैठ जाएगा और दूसरे की जगह वैकेंसी हो जाएगी, तो इसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, देखो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि व्हेन NaCl इज डोप्ड विद SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड सम ऑफ Na+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Sr2+, ठीक है, ईच Sr2+ रिप्लेस टू Na+, यानी कि एक Sr2+ दो Na+ को निकालेगा, क्योंकि Sr पर 2+ चार्ज है जबकि सोडियम पर 1+ चार्ज होता है, एक की जगह तो खुद बैठ जाएगा और एक की जगह वैकेंसी हो जाएगी, यानी कि जितने Sr2+ आएंगे ना उतनी ही वैकेंसी बनेगी। जैसे एक Sr2+ आया एक वैकेंसी बनी है, दो आएंगे तो दो वैकेंसी बनेगी, तीन आएंगे तो तीन वैकेंसी बनेगी। स्टूडेंट्स लिख लीजिए इसे, तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ NaCl इज डोप्ड विद 10^-3 mol% SrCl2, ठीक है, देखो डोपिंग का मतलब होता है मिलाना, कि आपका 10^-3 mol%, यानी कि परसेंट निकालते हैं हम 100 mol में से, 100 में से ध्यान रखना, परसेंट हम 100 से निकालते हैं, तो 10^-3 mol% का मतलब ये हो गया कि 100 mol NaCl में हम इतने मोल SrCl2 मिला रहे हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब हम 100 समझेंगे। What is the concentration of the cationic vacancies? अब आपको पता है कि SrCl2 है, अभी आपने देखा है कि एक Sr2+ देता है और एक Sr2+ आपके पास एक वैकेंसी क्रिएट करता है, तो आपके पास इतने SrCl2 है और 100 मोल में मिला रहे हैं, तो देखो अगर 100 मोल में हम 10^-3 मोल SrCl2 मिला रहे हैं, अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब ये पूछ लिया कि एक मोल NaCl में कितनी वैकेंसी होगी। अब देखो 100 मोल में हम इतने मोल SrCl2 मिला रहे हैं, तो इतनी वैकेंसी बनेगी, क्योंकि जितने ये होते हैं उतनी वैकेंसी बनती है, तो 100 मोल में तो इतनी वैकेंसी बनेगी, लेकिन एक मोल में कितनी बनेगी, तो देख लो 10^-3/100, यानी कि 10^-5 मोल वैकेंसी, और मोल का मतलब आप जानते हो एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 × 10^-23 वैकेंसीज। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो लगातार वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।